आराम से बैठी हो ना, ये पकड़ो, होल्ड द गिटार। गिटार लड़कियों के लिए बनाया गया था। ये जो इसका कर्व है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, कम से नसीना की तरह। Where do I keep my fingers? पहले गिटार को प्यार से अपने पास ला, अपनी उंगलियां स्ट्रिंग्स पर रखो। ये पिक बेकार है, बस उंगलियों से फील करो, स्ट्रिंग्स को टच करो, जस्ट फील इट। संजू का मुझे गिटार सिखाना मैं कभी नहीं भूल सकती। वो एहसास, वो पल, उसमें कुछ अलग ही बात थी। कोमल, उसके ऊपर तुम और तुम पर गिटार, ये क्या कर रही हो? गुरुजी वो तुम उसकी गिटार पकड़ रही हो और वो तुम्हें अपनी पकड़ में ले रहा है। क्या ये गलत है गुरुजी? तुम मेरी ब्रह्मास्त्र थी, लेकिन आप तो अस्त्र वस्त्र सब बिखर गए। क्या करने यूरोप आई थी और यहाँ पे कर क्या रही हो? इस बेशरम के साथ अगर थोड़ी देर और रुकी तो शास्त्रीय संगीत तो खत्म हो गई और मैं चला जाऊंगा कोमा में। तुम्हारी पैंट किसने फाड़ी? क्या चीखड़े कर दिए? इज्जत का भाजी पला कर दिया? लूट गया मैं तेरे चक्कर में, मेरा मुकाला हो गया। खम्बे जैसी खड़ी है, चल। ओए गुरुजी, वॉल्यूम लाउड हो रहा है। वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है तुझे? हाँ। गिटार बजाने वाला मुझे वॉल्यूम सिखाएगा? वायलिन ब्रह्मा, ब्रह्मा वायलिन। ए, तू होगा कोई ब्रह्मा वम्मा, मैं हूँ संजू, संजू चौहान। हर दो कौड़ी का गुंडा अपने आप को 30 मार खा ही समझता है। और भी दिखाता हूँ तुझे, यही रहना कहीं। हाँ, दिखाना। समझ गया? हेलो शर्मा जी, आपको मेरी बात सुन के शर्मा जाएगी। ऐसा क्या हो गया? आपकी बेटी पद भ्रष्ट होके नष्ट हो गई है। आ? आपकी सेहत का ख्याल करके मैं आज तक चुप रहा, लेकिन आज आपको बताना ही पड़ रहा है कि आपका खानदानी वायलिन टूट गया। वायलिन टूट गया? किसने तोड़ा? और किसने? आवारा संजू ने। कौन है ये संजू? उसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड वो गिटार बजाता है और हम लोग वायलिन। सदियों से वेस्टर्न म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक को डराने की कोशिश कर रहा है। शास्त्रीय संगीत डेंजर जोन में है। कोमल को भी संभालना मुश्किल हो गया है, उसे भी अपने पास बुला लो। जानती हो तुम्हारी बेटी ने क्या किया? खानदानी वायलिन तोड़ दिया, हमारी परंपरा को तोड़ दिया। अब मैं दादाजी को क्या जवाब दूंगा? ऊपर जाओगे तब जवाब देना, पहले बेटी के हालचाल तो पूछ लो। वायलिन के साथ हमारी बेटी की भी ट्यूनिंग बिगड़ गई है। उस बूढ़े ने शादी नहीं की, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में बूढ़े का दिमाग सट गया है। उसकी बातों पर ध्यान क्यों दे रहे हो? भाभी जी मेरा हाल पूछ रही है ना। तुम्हारी भाभी को सिर्फ अपनी बेटी की ही चिंता है की परवाह। खुद तो वायलिन लेकर चोरों की तरह घर छोड़कर यूरोप भाग गया था और अब बड़ा आया हमें हमारी बेटी के बारे में प्रवचन देने वाला। लो मैं उस बूढ़े की खबर लेती हूँ। भाई साहब, तबीयत ठीक है ना? घबराओ मत, मैंने सब सुन लिया। एक मैं हूँ कि जी जान लगा कि आपकी बेटी को नंबर वन वायलिन प्लेयर बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन अब गिटार आ गया है। टिंग टिंग टिंग। मैं अब आपकी बेटी को फोन दे रहा हूँ, उसी से बात करो और मेरा पीछा छोड़ दो। लो बात करो। कौन है वो लड़का? संजू ना बहुत अच्छा लड़का है माँ, अगर इतना अच्छा है तो उसे हाथ से क्यों जाने देना? अच्छा बताओ वो करता क्या है? वो एक बहुत ही फेमस गिटार प्लेयर है माँ। मैं? वो एक फेमस गिटार प्लेयर है, असल में वो लुच्चा लफंगा है। गिटार तो छोड़ो, उसे ताली तक बजाना नहीं आता। तू बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटा, जल्दी से उसका पता भेज दे, तुम्हारे पापा उसके पापा से बात करेंगे। जाइए लड़के वालों से बात कीजिए। मैं क्यों जाऊँ बात करने? तो क्या पड़ोसी जाएंगे? नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? देखा आपने, पति जब पुराना हो जाता है तो पत्नी के हाथ का वायलिन। क्या हुआ? फिर वायलिन बजाना शुरू किया? सांभर नौन डेलेगी। हाँ पागल हो गई है क्या? क्या कर रही? मैं कैसे लेकर आई है क्या? सांभर खाओगी तो दिमाग ठंडा रहेगा माँ। मैके का है जो लुटा रही है? इडली में सांभर, ब्रेड में सांभर, चपाती में सांभर, सांभर की नदियाँ बहा दी। एक काम कर, बाल्टी में सांबार भर, डुबकी लगा और बह जा। दादी सासू, अगर सांबार से ना आऊंगी ना तो और गोरी हो जाऊंगी। ए हड्डे हराम, क्या देख के लाया था रे तू इसको? गणेश, इधर आओ। क्या बात है पापा? अपना फोन देना। अरे ये क्या किया? अभी नया खरीदा था, ये फोन तोड़ने की क्या जरूरत थी? मेरी जिंदगी नरक बना दी है तुमने। मैंने? ये सिम किसके नाम पे? आपके नाम से। और इसका बिल कौन पे करता है? आप ही पे करते हैं। तो फिर इस फोन पे लड़की से प्यार भरी बातें करके उसे परेशान करोगे तो पुलिस किसको पकड़ेगी? ऑफ कोर्स आपको। वो मैं इस राज्य के सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स मेरे कमरे के बाहर वेट करते हैं सिर्फ मुझसे बात करने के लिए।
लेकिन आज एक एसपी ने मुझसे शिकायत की, सर लड़की का चक्कर छोड़ दीजिए, आप तो शादीशुदा हैं, ये सब आपको शोभा नहीं देता। तुम्हारी वजह से मुझे लेक्चर देकर गया, उसकी नजरों में मेरी इज्जत क्या रह गई? कौन है वो बदनसीब? हमारे एरिया की एमएलए है। अरे वाह, इससे कम पोस्ट की लड़की नहीं मिली, तूने तो सीधा असेंबली में जाके डाका डाल दिया। कितनी खुशी की बात है ना। तू चुप कर, इन मैसेजेस का क्या मतलब है? कौन से मैसेजेस पापा? 1 2 3 टुडे आई एम फ्री, 4 5 6 दिल है तुम पर फिक्स। स्कूल बुक से कॉपी मारा था। मेवा खिलाऊंगा, मेवा ना मिला तो क्या लिखा है ये? शायरी ट्राई की है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भू, 80 90 पूरे 100, ये क्या बकवास? अलार्म की रिंगटोन है। कब एक्सेप्ट करोगी? लव का एप्लीकेशन। ये बताओ तुम कब गिरोगी? लव लव में तुम कब करोगी? फोन कौन से तो मैं कर रहे है। एक बात बता बेटा, तुझे प्यार करने के लिए मेले के अलावा कोई नहीं मिली थी? अरे दादी, एमएलए से शादी हो गई तो लाइफ सेट हो जाएगी। लाल बत्ती वाली कार फ्री, सरकारी खर्च पर घूमेंगे, ट्रेन के लिए टिकट फ्री, ऊपर से सरकार की तरफ से फोन भी फ्री, राशन से लेकर भाषण तक सब फ्री मिलेगा दादी। इज्जत भी फ्री में नीलाम हो जाएगी। अरे यार क्या बकवास टाइमिंग है मनहूस साला। वेलकम सर। देखो बेटा, लड़की को ताड़ना घुमाना माँ बनाना तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन उससे पेरेंट्स को हार्ट अटैक हो सकता है। वो तो आपको भी हो सकता है। कहते हैं ना, यत्र नारी पूज्यन्ते समथिंग समथिंग देवता, इसका अर्थ जानते हो बांगड़ू? हाँ, लड़की को पूजोगे तो राखी बांधेगी, पटाओगे तो शादी कर लेगी, यही है ना अंकल? बाप रे। कमाल है सर, इसके लाइफ के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं। एक दिन इसको ही क्लियर कर दूंगा। अंकल से कुछ संस्कार सीखो। सॉरी सर, मैं उतना भी महान नहीं हूँ, मैंने ऊटी में खूंटी गाड़ दी, अब अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। बस कर, कितना डालेगी? मेरे स्वामी आ गए, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे क्या हो गया, ऐसे सच धज रही है मानो कोई लड़का देखने आने वाला हो। भाई टकरू आया है ना? ऐसा मत बोल, मेरे लिए तो वो आज भी हीरो है। काय का हीरो, हीरो चपड़ गंजू तो लगता है। अभी तो उसके साथ घर जाएगी, खाना बनाएगी उसके लिए, वो खाना खा के खर्राटे मार के सो जाएगा। अब बुढ़ाऊ से उम्मीद भी क्या करेगी, जवानी बर्बाद करे काय को। ए भैंस, मेरी बुराई कर करके और कितनी मोटी होगी। पद्मा अब घर चले। हेलो, वाणी की शादी क्या? सगाई परसों है, फोटो व्हाट्सएप करो लड़के की, मैं देखता हूँ। घर वाली के पास जा रहा हूँ, बाहर वाली। ये आपका नहीं है? ये तो है। रुको, ये तो ले जाओ। आसमान कभी झुकता नहीं, बाबूराव कभी रुकता नहीं। अरे बाबा, लेकिन ये तो लेके जाओगे? सुनी, वाणी की शादी पता है? ओ, मैं जूते पहनना भूल गया, अभी से क्या बताऊं, कौन सा बहाना बनाऊं? जूते का है? जूते गोबर को बहुत पसंद आया, उसने अपना लिए। उस दिन भी जॉगिंग करने शर्ट में गया और टी शर्ट में आया। एक चोर के साथ एक्सचेंज ऑफर खेल के आया। रोज ही कुछ ना कुछ भूल के आ जाते हो। अरे तुम्हें तो नहीं भूला ना, स्माइल करो, ग्लास रखो और दिमाग कम चाटो, नॉन स्टॉप रेडियो। हाँ, वाणी की शादी के लिए। हेलो भैया, फोटो मिल गई, देख के बताता हूँ। लड़का राइट में खड़ा है। समझ गया, वाणी के राइट में जो खड़ा। हाँ, फोन ही काट दिया। लाओ फोन दो, बोतल रखो। लक्ष्मी कुछ और भी कह रही थी। हाँ, कान के पर्दे खुले हो तो हर कोई फाड़ना चाहता है, जबान लंबी से लंबी हो जाती है। लड़का तो सच में बहुत अच्छा है। ये बाल नूडल्स जैसे, नाक मशरूम जैसी, हाथों में न जान, सीने में जलन, आंखों में तूफान, एक नंबर का ठरकी लगता है साला, एकदम बकवास। कुछ भी, लड़का एकदम इलेक्ट्रिक वायर है। ठीक है चलो, वायर है, करंट है या नहीं छूने के बाद पता चलेगा। फटी हुई आंखें और मत फाड़ो, जाओ पैकिंग करो। ओए, कोयले को कॉम्प्लेक्स देने वाले इधर आ, ये ले एंजॉय। अरे सर, इतने का तो तेल ही लग गया। तेल के ही दूंगा ना, गाड़ी मेरी थोड़ी है बेटा, ये हायर लेवल का हिसाब है, तेरी समझ के बाहर है। सर कम से कम किलोमीटर का हिसाब तो करो। किलोमीटर से अगर किलो निकालो और किलो से लो तो बचता है की, ज्यादा की का नहीं करने का। ये तो मुझे तेल लगा गया। इनकी तो आदत है टेढ़ी बातें करने की, तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो। ये लो, तुम पैसे रखो। लो। धन्यवाद मैडम। रे 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 रे, बिना गाड़ी के बैल, आजू बाजू नहीं देखेगा क्या? मुझसे टकराता तो हिल जाते तेरे सारे पुर्जे। क्या है तेरे हाथ में, ला मुझे दे। ये
ये क्या है? गर्म पानी और क्या? तो यहाँ क्यों लेके आए? क्या बहन की शादी एक चवन्नी छाप के साथ कर रहे हो? चुल्लू भर गर्म पानी में डूब मरो। लड़के में कोई कमी है क्या? चाकू जैसा तेज है। लेकिन हर चाकू से सब्जियां नहीं काटी जा सकती। घर में अगर दो लड़कियां रहती हैं और अगर बड़ी वाली की शादी सलमान खान से करा दो और दूसरी वाली की जॉनी लीवर से, तो लोग लोटपोट होके हंसेंगे। टेक योर ओन टाइम साले, टेक योर ओन टाइम। समझ में नहीं आता व्हाई दिस कोलावरी डी। उसने मेरी जान बचाई थी जीजा। तो क्या, मैं भी दो आदमियों को सुपारी और पान देके उसे मारने के लिए भेज दूंगा, तुम जाके उसकी जान बचा लेना। जान जान बराबर हो गया, जान बचाई है तुम्हारे लिए, जान दी थोड़ी है। जान बची तो लाखों भाई, लौट के बुद्धू घर को आए। आप मेरी सगी बहन के पति हैं इसलिए बच गए, वरना अर्थी उठ जाती। घर में डोली उठने वाली है, अर्थी उठाने की बात मत करो देवराज। तुम? मैं दूल्हा हूँ। हेकू, मैं जानता हूँ ये दूल्हा है, तुम्हारा इसके साथ क्या नाता है? ये तो मेरे लिए काम करता है। इस फालतू नौकर की इतने बड़े घर में शादी तुमने क्यों नहीं की? तुम तो ज्यादा हैंडसम हो। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझे नहीं दिखाई दे रही, या फिर तुम सब अंधे हो? ये दूल्हा कब से नहीं क्यों, चिंपैंजी नंबर वन ओरैंगउटन कहीं का, मुझे बिल्कुल नहीं जमा, समझे? लगता है किसी ने तरबूज खा के उसका आधा हिस्सा सर पर रख दिया हो। मनी बालक स्वामी। बीमार आदमी को रोगी कहते हैं, कामयाब आदमी को भोगी कहते हैं, जो सब कुछ छोड़ देता है उसे त्यागी कहते हैं। और योगी? प्रभास ने एक फिल्म की थी जिसमें उसका नाम योगी था। अच्छा, व्हाट? नो टेंशन बालक, हम हैं तो क्या गम है, च्युइंगम चबाओ, लेकिन घर में नहीं बाहर थूको। मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ क्यों देख रहे हो? आपका साइज अचानक बड़ा हो गया ना। अरे बड़ा आदमी तो बड़ा ही बनेगा ना, ये छोटे लोग नहीं समझ सकते तुम जैसे। शादी के लिए यहाँ आया? शादी ना हो इसलिए आया हूँ। इसे भी ये शादी पसंद नहीं? क्यों? इससे एक लड़की प्यार करती है। इससे? वो भी लड़की? प्यार व्यार है कौन वो बदनसीब। आजकल की लड़कियों का टेस्ट एकदम फीका हो गया है। True, sir. लड़की तो एकदम परी जैसी दिखती है। Yes. वो फिर ऐसे फटे ढक्कन के साथ क्यों चिपकी हुई है? किस्मत सर। अबे रोमांस में वायलेंस, प्यार सच में अंधा होता है। आपकी तरह लड़की का बाप भी सुबह शाम गम में डूबा रहता है। वो इस वक्त कहाँ है? वो रहा। यहाँ इतने फ्यूज्ड बल्ब में सिर्फ आप ही की लाइट बराबर जल रही है। आप बीवी? मैं इसका पति हूँ, कट लो। सुनील शास्त्री। समीरा का डैडी मोहन कुमार मिश्रा। आप अपनी बेटी की शादी उसके लवर से नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं। करेक्ट डिसीजन, ये शादी नहीं बर्बादी है, है ना? हाथ मिलाओ इस बात पर। आपकी बेटी तो क्या, मैं इसकी शादी किसी भी लड़की से नहीं होने दूंगा, खासकर मेरी छोटी साली से। नहीं 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 नहीं, अगर शादी नहीं हुई तो पेपर्स नहीं मिलेंगे। पेपर्स कौन से? ये है पूरी कहानी। अब समझा। तुमने उसके बाप को मार डाला। मैंने बदले की खातिर तुमने उसकी प्रॉपर्टी छीनी और मेरे साले को भेज दी। तुम्हें ये पेपर्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये शादी नहीं हो जाती, सही पकड़ा ना? वाह रे वाह, स्टोरी सुनाई दीवार की और तुम समझे मोहब्बतें की। इसे कहते हैं टैलेंट। मैं तुम्हारी इस टैलेंट के बारे में नहीं जानता था ना, फिर से सुनाता हूँ ये कहानी। सेकंड हैंड माल और सेकंड टाइम स्टोरी से मुझे सख्त नफरत है, पकाऊ होते हैं। अगर तुम्हें बिना लोचे के वो पेपर्स चाहिए तो उसके लिए लड़के को मार दोगे तो भी चलेगा, हथियार पर जो खर्चा होगा वो मैं दूंगा। स्टेनलेस स्टील का लाना ताकि जंग न लगे। हाँ। इसको बचाने के लिए पुलिस ने बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था। सच्ची? मेरे पति ने इसके ऑफिस में चोर कैमरा छिपाया था, इससे फौरन पता चल गया कि किडनैप हुई है। अंकल आप क्या टाइम पास कर रहे हैं? ये लड़का मरने वाला है, पैसों के चक्कर में डॉक्टर ने जिंदा रखा है। कैसी हो बेटी? तुम बहुत खुश होगी ना? मैं तो कहूंगा कि तुम बहुत लकी हो बेटी।
एंड वक्त पर रवि मेरी ऑफिस में आ गया और उस वक्त मैं भी ऑफिस में मौजूद था और तुम बच गई। इसे कहते हैं वक्त वक्त की बात। सर, मधु कैसी है? क्या हुआ, जबड़ा हिल गया? मधु से मिलो ना। शाम तक मुझे मंगलसूत्र रेडी चाहिए, मैं बाद में बात करता हूँ। बेटा, तुम मधु से मिले? तुम्हारे जबड़े में दर्द है क्या? हम मधु से मिल सकते हैं? चलो। हाँ? ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? जानू। सही कहा ना? मैंने फ्लैशबैक में तुम्हारा नाम सुन लिया था। तुम्हें सांबर पसंद है ना? सांबर पुराण शुरू हो गया। अगर तुम मेरे हाथ का बना सांबर खाओगी ना, तो कभी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांबर हर मर्ज की दवा है। एक्चुअली कैंसर को भी सांबर ठीक कर सकता है, ऐसा भाभी को लगता है। एक गना, तू देखना, ये अगर मेरे हाथ का सांबर खाएगी ना, तो मेरी तरह जीरो फिगर हो जाएगी। हंस रही है अब, खुश ना? हेलो जानू, मेरी है। अगर तूने उसका हाथ भी लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अब जाके कॉफी पी। अरे जाना। अब तो खुश हो ना? अब सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा पेन होगा पर घबराना मत, नो प्रॉब्लम, ट्विंस हैं। एक घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। यही है तुम्हारे हस्बैंड? प्रेजेंट मैडम। यू मीन हस्बैंड या रबर बैंड? हस्बैंड बाबा, वो मैं हूँ। ये मेरी वाइफ है, पर्सनल। ये मटका मैंने दिया है, बहुत मेहनत की है। आपको कुछ खटका है क्या? इनका ऑपरेशन है, आपकी सिग्नेचर चाहिए। बस इतना ही? चंपा कली, एक घंटे में हम पेरेंट्स बनेंगे दो दो बच्चों के। आई एम आउट। अच्छा, ऊटी के बाद हॉस्पिटल में सर्वे करने आ गए? आप जो समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। मैं वही हूँ। हम जानते हैं। मैं तो बस काम से आया था, आप यहाँ कैसे? किसी का पोस्टमार्टम करना था। पापा के सामने तो आप संस्कारों की बीन बजाते हैं, तो फिर ये क्या है? ये बैड हैबिट्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर इसे चेंज ओवर कहते हैं। चेंज ओवर, रिलैक्सेशन। और उस ऊटी की ट्रिप का क्या हुआ? काम के लिए ऊटी, रिलैक्स करने के लिए ब्यूटी। मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? अच्छी कहावत है, मतलब जानते हो? यू मीन बैंड बजेगा? नो आइडिया। आइडिया तो मैं देता हूँ। इतनी सुंदर बीवी है आपकी, ये हरकतें क्यों करते हो? टीवी पर चाहे कितनी भी फिल्में देख लो, 70 mm पर देखने का मजा ही अलग है। होम थिएटर आखिर होम थिएटर है, मल्टीप्लेक्स आखिर मल्टीप्लेक्स है। इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों? एक ओपन सीक्रेट बताओ। पत्नी पूजा घर जैसी होती है, उसमें मजा कहाँ? पर गर्लफ्रेंड रिसॉर्ट के स्पा जैसी, माइंड बॉडी दोनों फुल रिलैक्स। आदमी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, सोच क्रिएटिव और माइंड इंटेलिजेंट। सर, आप घरवाली को कैसे मैनेज करते हैं? घरवाली को घर में एंट्री मारते ही वो दौड़ के आती है। पद्मा, सारा दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बॉस की डांट खाकर आधे दिन की छुट्टी ली है। मेरे हुजूर, आपका सुरूर पाकर मेरे दिल को गुरूर आ गया। इतना काफी है, तुम पर लट्टू हो जाएगी, तुम्हारे सारे फेवरेट पकवान बनाएगी। करेले का हलवा भी खाना। मैं हर डिश से थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। पद्मा, तुम्हारी कुकिंग में मैजिक का जादू है। इतना बहुत है, तुम पर एकदम फ्लैट हो जाएगी। डार्लिंग, इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, पर इसे वेस्ट भी करने का दिल नहीं करता। आप भी ना, खाना गपा गप कैसे खाते हैं मैं बताती हूँ। और फिर वो गपा गप सब चढ़ जाएगी, वो फैट और मैं फिट, वो लेटते ही सो जाएगी और मैं गर्लफ्रेंड के पास। अगर आपकी बीवी को ये सब पता चला तो? उस मंदबुद्धि बेवकूफ में इतनी अकल कहाँ? इस सब की जिम्मेदार तो वो खुद ही है। अच्छा? तुम्हें शौक क्यों लगा? 2 साल से हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे थे, मैंने कहा चलो चेकअप करवाते हैं, उसने मना किया, उसने कहा मैं फिट हूँ, तुम ही जाओ अपना खुद का टेस्ट करवाओ। मैंने किया, उस ब्यूटी पे सक्सेस, डबल सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस।
सक्सेस। शक्ल से तो बहुत मासूम दिखते हो लेकिन जानवर हो। शराब को सिर्फ देखकर जज करने वाले बेवकूफ, पीने के बाद असली किक का पता चलता है कि मेरी चंपा की तरह नशीली है या फिर पद्मा की तरह डुप्लीकेट। ओह, औरतों को मेरी चंपा कली की तरह हरी भरी होना चाहिए, मेरी पद्मा की तरह नहीं, सूखे चूसे हुए गन्ने की। पद्मा भाभी ये कहते हैं आप सूखे गन्ने जैसी है। पद्मा तू यहाँ कैसे धमक पड़ी? स्टार्टिंग से यही है, इसने हमारी सारी बातें सुन ली, हर एक शब्द सुन लिया। आप समझे तू, ये ऊटी खूटी गाने जाता था, अब यहाँ खड़ी क्यों है? मार साले को। मम्मी बचाओ। तेरी तो मुझे गंदा कहा, मैं तेरे गन्ने जैसे लगती हूँ। और वो मल्टीप्लाई को या पूजा करती थी और वो कैश करता था, अपना स्वामी समझती थी, लेकिन तू कर रहा कि मैं अपने से मारूं। आग में तेल क्यों डाल रही हो मोटी? तू मारे कि तू मर जाएगा। जाओ मरो। तुमसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना है बेटा। सॉरी सर, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, एक बार फिर से टेस्ट करवा लो, ठीक है? अब क्या फायदा। Want the paperwork to be completed. नमस्ते सर। जॉन से नहीं बोलोगे? I'm sorry John. Indians में manners थोड़े कम होते हैं, especially villagers. They are ridiculous. Come, let's sit. So John. पागल हो क्या? उसकी गोद में बैठोगे? ओ तो वो यहाँ बैठा है। Sorry John. कहा ना मैंने जाहिल है। खैर छोड़ो, आप चलेंगे? लाओ ना, लीजिए सर। ये कहाँ दूँ, किसे दूँ, कहाँ रखूँ? इतने भी पी रखी है क्या? कब क्यों तोड़ा? मुझे लगा ये भी पियेंगे। कौन? ये जॉन सर। जॉन यहाँ थोड़ी है, तुम्हारी बातों का बुरा मान के वो चला गया। बुरा मान के? भूत भी बुरा मानते हैं। जॉन मेरे भाई का सेक्रेटरी है, नौकरी छोड़ दी, अब सिर्फ भैया को दिखाई देता है। हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि अभी हमारी हटी नहीं है। पिज्जा स्पॉट। सर नमस्ते सर। सर गुड मॉर्निंग सर। लगता है दूर की नजर कमजोर है। सर गुड मॉर्निंग सर। सर सर खुली आंखों से सो रहा था। हाँ बोलो। सर मेरा नाम बनी है सर, और मैं वाइजाक से आया हूँ। तुम इतनी दूर सिर्फ अपना नाम बताने आए हो? सिफारिश जी। गौरव नायडू को मेरा प्रणाम। इज्जत हजम हो रही है तुम्हें? एक झापड़ मारूंगा तो भजे खुचे बाल भी उड़ जाएंगे, इतने मान नहीं हुए तुम। क्या देख रहा है? आंखें खोलकर सपने देखने की आदत नहीं गई इस उल्लू की। एक छोटा सा काम था इसलिए याद किया था। ये गाय जैसा लड़का मेरा रिश्तेदार है। अब आता हूँ सबसे खास बात पर। ये लड़का बचपन से अनाथ है, इसे MBA में एडमिशन मिला है, पढ़ाई के साथ काम करके अपना खर्चा भी निकालना चाहता है। अब तुम इसे एक नौकरी दे ही दो। ए, मैंने ऐसी हाई लेवल की सिफारिश किसी के लिए नहीं की। लेटर पढ़ते ही उसका बाप भी नौकरी देगा। बस तुम एक अच्छी सी स्माइल दे देना। उसके बाद वो उल्लू तुमसे एक सवाल पूछेगा। वो गधा अब तक मरा नहीं? जिंदा है। उस कमीने ने मेरी लाइफ नरक बना दी थी। स्कूल में लड़कियों के सामने एक बार मेरी पैंट उतार दी थी, मेरी पुंगी बजा दी थी। सर बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिना इस सिफारिश लेटर के आते तो शायद तरस खाकर नौकरी पर रख लेता, और अब यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। कोई जॉब वॉब नहीं है। गेट आउट। सर प्लीज सर, गेट आउट प्लीज। बड़ी मेहनत से वो पैंट वाला किस्सा भूला था, फिर से याद दिला। कौन हो तुम और यहाँ क्यों रुके हो? हमारे बॉस राहु काल तक कार के बाहर नहीं आएंगे। ओहो, और अब राहु काल खत्म। अरे कौन हो तुम? दादी माँ, अभी तक आप जिंदा हो? क्या मतलब? ये बताओ आपके जीवन रेखा पर डॉक्टर की क्या राय है? अब आपका आखिरी टाइम नजदीक आ रहा है, तो आपकी इच्छा होगी अपने पोते की शादी देखना, राइट? ओ सर जी, क्या बात कही है आपने। एक्सपीरियंस छोटे, एक्सपीरियंस। आई नो दिस ओल्ड पीपल साइकोलॉजी। उनके फेस पे ही मैंने इमरजेंसी का केस देखा। इनके पोते की शादी और इनका टपकना एक ही दिन होगा, ये मुझे पता है। ए छिछोरे जबान संभाल के। माता जी तुम मुझे गाली नहीं दे सकती। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। अंदाजा लगाइए, एक महीने में जाएंगी, दो महीने में जाएंगी, या पूरा साल लगेगा आपको? लेकिन मेरे सामने फालतू की बातें मत करना। That is दिलीप राजा। अरे
कौन है ये सरफिरा? मशहूर मैरिज ब्रोकर दिलीप राजा। तुम घबराओ मत, ये सब बंद कीजिए आप। ये क्या बकवास चल रहा है? ये दिखाने आप समझ गया मैं। इसीलिए मैं कभी भी फोटोज माँ बाप को नहीं दिखाना चाहता, सीधे दूल्हे को ही दिखाना चाहता हूँ। क्या समझ रखा है मुझे? एक घंटे में शादी करोगे तो डिस्कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। वेरी गुड, मुझे इन पर नाज है। कनेक्शन का नाम सुनते ही डिस्कनेक्शन की बात कही, और आधे घंटे में मेरा भाई आता ही होगा, सेपरेशन एक्सपर्ट। मेरे क्लाइंट्स को 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपके प्राकृतिक तत्व के आइडियाज पर मैं प्रभावित हूँ। वेरी गुड, समझदार हो। वायु, जल, अग्नि, भूमि, क्या चॉइस? आप नहीं बताओगे क्या? अरे मैं क्यों बताऊँ, क्या बके जा रहे हो? इनमें से कौन से तत्व से आपका निधन होगा ये आप ही डिसाइड कर लीजिए। मेरा निधन? ये क्या बात कर रहे हो यार, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। आई एम स्टिल बैचलर। अच्छा, यानी कि आपका कत्ल करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाय सुबलक्ष्मी, बोलो। पार्टी के लिए तैयार हो रहे हो? बाड़ में जाए पार्टी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। परम, परफ्यूम लगाओ यार, लड़कियां आने वाली हैं। श्योर, अभी लगा दो। जाना ही नहीं है उसका पता क्यों पूछना? वैसे ही जो शादी करनी नहीं है उसमें इंटरेस्ट क्यों लेना? अरे परम यार, वो परफ्यूम नहीं हेयर स्प्रे था। हेयर स्प्रे बालों पर लगाते हैं यार। चल ठीक से लगा, वरना फोटो अच्छी नहीं आएगी यार। एकदम बुरो लगेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इस तरह से जाओ, सही धज के नहीं। हे, तुमने उसके साथ क्या किया? इससे पूछने का क्या मतलब है? क्यों बे, तूने उसके साथ क्या किया? लगता है तुम भी अपने बाप की तरह लोगों को चूना लगाने में लगे हो। इसके बाप ने कौन सी तोप चलाई थी? इसके बाप ने नहीं, इसके बाप ने पीछे कर्जा छोड़कर मर गया। उसने उतार तो दिया? हाँ उतार दिया, 300 करोड़ का दान करके। 300 करोड़? तुम्हारा बाप माफिया में था जो इतना कर्जा लिया था? पता नहीं कितने परिवारों को तबाह किया होगा जो ये सड़क पर आ गया। फकीर बन के कैसा लगा होगा? फुक्कड़ कहीं का, अमीर से गरीब होके दिमाग की बत्ती गुल हुई ना। एक्चुअली कर्ज उतार कर मुझे बहुत संतुष्टि मिली। संतुष्टि? एक अलग ही तरह की खुशी मिली। खुशी? ये जानने के बाद कि पैसों से खुशी नहीं मिलती, मुझे बहुत हैरानी हुई। हैरानी भी? इनफैक्ट अगर हमें बेहतर बनना है तो इस तरह की चीजें होती रहनी चाहिए। जेब में 2 कौड़ी नहीं है फिर भी देवर देखो पड़ोसन की देवर जैसे। एक्चुअली अब ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगा। दिखाओ ना, डरते हो क्या? बस हो गया, आप बस करो मत। इंसान बस कब बोलता है? जब उसे संतुष्टि मिलती है। पहला पॉइंट साबित हो गया। हो गया। फिर खुशी कब मिलती है? अरे इतना मारोगे तो मर जाएगा वो। मैं रुका तो आपको तसल्ली हुई ना? पॉइंट टू, ये खुशी है। और हैरानी कब होती है? That's point number three. Don't be in a hurry. मैं बातों से नहीं करके बताने वाला हूँ। Sure, sure. करके नहीं मार के बताता हूँ। बकरा बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? देखो, इसे कहते हैं हैरानी। देखा? कोई इस तरह अपनी खातिरदारी कराना नहीं चाहेगा। सही कहा, मुंह की बात छीन ली। क्लाइमैक्स के बाद दी एंड तो होता ही है। Oh my God, big rod, huh? मैं ले आया। Okay. अब हटा दो, हाथ का पंजा ही ठीक था। गाल मारो, चाहे कितना मार लो। Fantastic, sir. इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। मेरे पापा के बारे में राय बदलने के लिए मेरे पास एक और एक्सपेरिमेंट है। डायरेक्शन चेंज करो। सर, ये का टॉयलेट पेपर है? फीडबैक पेपर सर। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा लगा तो सुपर लिखो, बहुत अच्छा लगा तो एक्सीलेंट लिखो, हिंदी में भी लिख सकते। ये क्या कोई कॉमेडी सर्कस है? मेरे सारे को बोल के तुम सालों का मसाला बना दूंगा। गुड मॉर्निंग, नाउ यू लोग इंग्लिश एग्जामिनेशन में हाउ हाउ कितने कितने मार्क्स लाया, हम अभी यू को टेलिंग इज टेलिंग। सिद्धार्थ, वो खेत में पॉटी करिंग। वो खेत में पॉटी करिंग? आखिर खेत में क्यों, टॉयलेट में क्यों नहीं? स्कूल के नाम से उसे पॉटी क्यों आ जाती है? व्हाट इज द रीजन? जब जोर से लगेंगे तो क्या करेंगे? लोटा पकड़ेंगे, टॉयलेट में जाएंगे। उसकी तरफदारी मत कर, बैठ जा, हिलती डुलती रहती है गंगोत्री। गंगोत्री, 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 यू खड़ी हो जाओ। दिस मार्क्स लाया है? देखो 220, बहुत बड़ा शून्य। सर, सर इंग्लिश के नाम से ही कांप जाती हूँ, कुछ समझ ही नहीं पाती हूँ।
नेक्स्ट टाइम कर लूंगी सर। फर्स्ट टाइम नहीं है पर इसे लास्ट टाइम जरूर बनाऊंगा। मेरी छड़ी कहाँ गई? रेंचो छड़ी लाओ। मिस शूनी मार्क्स इधर आओ। कम हियर। लास्ट टाइम बोला था नेक्स्ट टाइम, इस टाइम बोल रही हो एक और नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम दिया तो एक और लास्ट टाइम मांगोगी। हाथ ऊपर। इस नेक्स्ट टाइम और लास्ट टाइम के कंफ्यूजन को फिनिश करूंगा। देखिए मास्टर जी, कोई जिला हो, कोई गांव हो या इस देश का कोई भी स्कूल हो, स्टूडेंट अगर गलती करे तो टीचर को उन्हें सजा देने का हक है। लेकिन मेरे गांव में, मेरे स्कूल में गंगोत्री की किसी भी गलती पर या कम मार्क्स आने पर सजा उसे नहीं, मुझे मिलनी चाहिए। What? हीरो गिरिया? गंगोत्री के हिस्से की मार तू खाएगा? All right. तुम हाथ निकालो। Out. जल्दी। चलो जाओ, जाके बैठो। क्यों बच्चों? उसको सजा मिलने पे तुम लोग ऐसे क्यों बैठे थे? आपने तो कहा था बुरा नहीं देखना चाहिए। चुप कर। A pen is mightier than the sword. इस मुहावरे का मीनिंग टेल। गा के बताऊं सर? सही सुर लगाना। आपकी इंग्लिश तो तलवार से भी खतरनाक है। साइलेंस, साइलेंस, खामोश। Who laughing? Why laughing? बेंच पर स्टैंड हो जाओ, कुर्सी पर चढ़ जाओ, तुम नहीं सुधरोगे।